नमस्ते मित्रों, आयुलिंक ऑडियो वीडियो चैनल प्रोग्राम का नाम है पांचवा वेद और आज का विषय है हमारा मुंह खोलने में मुश्किल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हमारे यहाँ इंडिया में ये है कि ज्यादातर लोग तंबाकू खाते हैं और तंबाकू की वजह से ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम देखा गया है। पर्टिकुलरली हमारे हॉस्पिटल गुजरात में है तो गुजरात में तो तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट का नशा करना वो कॉमन है और जो तंबाकू जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ये डिजीज हमेशा बहुत होने की संभावना है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें ज़्यादातर होता है क्या कि जो हमारे जड़वे हैं वो खुलते नहीं है, मुँह खुल नहीं सकता है, धीरे धीरे करके मुंह खुलना बंद हो जाता है। मुश्किल से एक उंगली भी अंदर आप डाल सकते हैं, खाना भी बंद हो जाता है, खाना पीना नहीं खा सकते, बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है ये। और तंबाकू की वजह से जो मसल है मुंह के अंदर के तो वो धीरे धीरे एकदम से स्टीफ होने लगते हैं, वो स्टीफनेस की वजह से मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो कई लोग मिलते हैं, पेशेंट तो हमेशा रहते हैं ऐसे आ जाते हैं कि साहब मुंह बिल्कुल नहीं खुल रहा है, खाना हम खा नहीं सकते, लिक्विड ही लेना पड़ता है, रोटी भी नहीं खा सकते, चबाने लायक कोई चीज हम नहीं ले सकते और कब तक ऐसा चलेगा। तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन कम होता है तो वीकनेस आ जाती है, कई सारे और कंप्लेंट शुरू हो जाते हैं उसमें। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वैसे तो कोई शॉर्ट दवाइया के फॉर्म में कुछ दिया नहीं जाता है, हालांकि अगर आप जोर करके मुंह खोलने का ट्राई करो तो इतना पेन होता है तो उसमें पेन किलर देकर कई बार ये डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि पेन किलर लगाकर इसको आप मैकेनिकली उसको खोल दें। तो आज सुबह ही एक पेशेंट आया था, हालांकि उनको ये कंप्लेंट तो पुरानी थी, पहले भी हुई थी और उसके लिए पहले ट्रीटमेंट भी करवा चुके थे मॉडर्न। तो मैंने हंस के बोला कि क्या लगा, मॉडर्न ट्रीटमेंट आप करवा कर आए हो ना, तो आपने जब लास्ट ईयर ये करवाया था तो हाल क्या था आपका। तो कि साहब पूछो मत, नानी की नानी याद आ गई थी मेरी। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई। तो कि साहब इसमें तो कैसा है कि मुझे तो मालूम नहीं था, डॉक्टर ने बोल दिया कि आ जाना, छोटा सा हल्का सा ऑपरेशन जैसा काम है, हम कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे, 10 मिनट के अंदर आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं तो इतना खुश था, चला गया, डॉक्टर ने मुझे कुछ समझाया नहीं था, जाकर लेटर दिया और अब जैसे गाड़ी को टायर बदलने के लिए जैसे जैक लगाते हैं वैसा जैक दोनों दांत को बीच में लगा दिया और फिर उन्होंने तो शुरू कर दिया जैक जैसा ही काम। तो इतना पेन हुआ, हालांकि डॉक्टर साहब ने पहले से भी मुझे पेन क्लियर दे रखी थी, फिर भी मैं कुछ सहन नहीं कर पाया, रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, चिल्लाने का मन हो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था, मुंह के बीच में ये जैक लगा था और जैक के वो लोग जैक चढ़ा रहे थे। 10-15 मिनट के बाद मेरी हालत ठीक हुई, पेन किलर काफी दिन लेने पड़े और धीरे धीरे करके मेरा मुंह खुला। लेकिन आदत की मजबूरी से ये तंबाकू मेरी छुट्टी नहीं, तंबाकू छुट्टी नहीं तो मैं च्यू कर रहा था तो उसकी वजह से फिर से ये अब मुंह सिकुड़ने लगा है, बंद रहने लगा है। अब की बार मुझे ये जैक लगाने के लिए नहीं जाना है, अब की बार आप जो करो वो मुझे आयुर्वेद में करो, मुझे ना तो कोई पेन किलर लेना है ना कोई दवाइयाँ चाहिए और आप जो बोलेंगे वैसे करूँगा। तो अब ऐसे जो हाल है कि जिसमें दवाइयाँ का बहुत बड़ा रोल ही नहीं है, हालांकि पेन किलर का रोल है लेकिन टेम्पररी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं वो एक बड़ी चीज है। सरप्राइजिंगली आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट बताई है और बहुत किफायती ट्रीटमेंट बताई है। एक कटोरी में हल्का सा गुनगुना तिल का तेल ले लो, फिर उसको छेना नमक अगर है घर में तो वो एक आध दो पीच इसके अंदर ऐड करके वो तिल के तेल का एक गार्गल करना है, मुंह में भर के रखना है, गंडूष बोलते हैं इसको संस्कृत में, गंडूष और कवल, तो वो मुंह में भर के वो तेल को रखना है और वो जितनी देर तक आप रख सकते हो उतनी देर तक रखना है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और उसके बाद आपको आप स्पिट आउट कर सकते हैं।
तो अगर दिन में कम से कम या चार या पांच ऐसे गार्गल करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही अपने आप वो मुंह खुलने लगेगा। सबम्यूकस फाइब्रोस में जो फाइब्रस है, जो फाइबर है, जो जो टिश्यूज है जो स्टीफ हो गए, उसको ऑयलिंग करने से धीरे 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 करके मुंह खुलता है। जरूरत रहती है तो बाहर की साइड से भी आप मसाज वगैरह करके हल्का सा शेप वगैरह दे सकते हैं। तो बस ऐसी चीज़ों से बचते रहिए। वैसे भी तम्बाकू अच्छी चीज़ नहीं है, नशा किसी भी प्रकार का हो उसको नहीं लेना है, तो ये ध्यान में रखिए और सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आयुर्वेद को ही याद करिए। थैंक यू, नमस्ते।